ये सबको पता है कि सुशील पहलवान ने सागर धनखड़ की पीट पीट कर हत्या कर दी। कभी बातें निकल कर सामने आती हैं कि सुशील कुमार पहलवान सागर धनखड़ से चिढ़ता था, जलता था, तो कभी ये बातें निकल कर सामने आती हैं कि फ्लैट को लेकर लड़ाई थी, सागर फ्लैट नहीं खाली कर रहा था, तो कभी ये बातें निकल कर सामने आती हैं कि सुशील पहलवान किसी लड़की को लेकर उसके पीछे पड़ा हुआ था और उस लड़की की वजह से सागर की जान चली गई या फिर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। खैर जो भी हो, वजह कुछ भी हो, लेकिन सुशील कुमार पहलवान आज एक अपराधी बन चुका है। उसके ऊपर एक हत्या का आरोप है, किडनैपिंग का आरोप है, बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जो सुशील कुमार के ऊपर लग रहे हैं। इन्फॉर्मेशन के आरोप हैं कि बदमाशों को इन्फॉर्मेशन दिया करता था। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या सुशील कुमार के माता पिता या फिर उसके घर वाले, पत्नी, वो लोग सुशील कुमार के इस कृत्य पर उसके खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? क्यों सुशील को बचाने की गुहार लगा रहे हैं? परिवार के लोग चाहते हैं सुशील कुमार पहलवान की जमानत हो जाए, वो बाहर आ जाए, लेकिन परिवार के लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? अगर उनका बेटा आज जेल में है तो किसी वजह से जेल में है। ऐसे तो जेल में नहीं गया ना वो कि पुलिस ने उठाया और जेल में बंद कर दिया। ऐसा काम तो नहीं किया कि देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा था और क्रांतिकारी बनाकर अंग्रेजों की तरह पुलिस उसे बंद कर दी हो। उसने तो हत्या की है, और एक हत्या करने वालों को बचाने की कोशिश करना कहीं ना कहीं अपराध तो है, कहीं ना कहीं पाप तो है, जो सुशील कुमार पहलवान के माता पिता कर रहे हैं, उनकी पत्नी कर रही हैं। सुशील कुमार की पत्नी का इस पूरे मामले को लेकर आज तक बयान नहीं आया, लेकिन सुशील कुमार पहलवान की मां इस मामले में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रही। सुशील कुमार पहलवान की मां पहले दिन कोर्ट में पहुंच गई कि मीडिया रिपोर्ट को बंद करा जाए, मीडिया ट्रायल को बंद किया जाए, क्योंकि इससे उनके बेटे की बदनामी हो रही है, सुशील कुमार पहलवान की बदनामी हो रही है, ये उनकी मां कह रही है। लेकिन कोर्ट ने उनके इस याचिका को खारिज कर दिया कि मीडिया ट्रायल तो नहीं रुकेगा, उसने ऐसा काम किया है तो बदनामी तो होगी ही। और सबसे अहम बात कोर्ट ने यह कही थी कि पहले जाकर उसे बुला कर लाओ, पहले वो आदमी आए जिसके खिलाफ आरोप है, उसका याचिका माना जाएगा, यहां पर आपका याचिका यहां पर माना नहीं जाएगा। लेकिन ये सब सेकेंडरी है। अगर प्रायोरिटी बेसिस पे देखा जाए तो सुशील कुमार को सजा दिलाने में उनके मां बाप को भी बड़ा योगदान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनका बेटा जेल में बंद है, उसी तरह से किसी ने अपना बेटा खो दिया है। आपका बेटा जिंदा तो है कम से कम, लेकिन सागर धनखड़ इस दुनिया में नहीं है। उसकी मां की ये तस्वीर देखिए, असहाय सी बैठी हुई, अपने बेटे की फोटो लेकर बैठी हुई है, तस्वीर लेकर बैठी हुई है। सुशील कुमार तो फिलहाल जेल में बंद है ना, और उसने हत्या भी किया है। सागर धनखड़ कितना भी बदमाश रहा हो, लेकिन किसी को हक नहीं है किसी की जान लेना, उसके लिए कानून है, पुलिस है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है सुशील कुमार पहलवान के परिवार वालों पर। आखिर सुशील कुमार पहलवान के परिवार वाले सुशील कुमार को क्यों बचाना चाहते हैं? अगर आरोपी कोई और होता, सुशील कुमार पहलवान सागर धनखड़ की जगह पर होते, तो क्या सुशील कुमार पहलवान के माता पिता इसी तरह से कोर्ट में याचिका लगाते जिस तरह से आज उनकी माता याचिका लगा रही हैं कि मीडिया ट्रायल को बंद कर दिया जाए? यही एक बड़ा सवाल है, गंभीर सवाल है। जब किसी के साथ अपना बुरा होता है ना, उस आदमी को, उस इंसान को, उस परिवार को यह मालूम चलता है कि इससे कैसे निपटा जाए। दूसरों का दर्द किसी को देखा नहीं जाता, दूसरों का दर्द किसी को महसूस ही नहीं होता। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ लोग अपने लिए जीते हैं। यहां पर सागर धनखड़ के माता पिता के आंसुओं से किसी को कोई मतलब नहीं है। सागर धनखड़ के माता पिता, चाचा, मामा सब आरोप लगा रहे हैं कि उनको जान का खतरा बना हुआ है। वो घर से बाहर निकलते हैं तो हथियार बंद लोग उनका पीछा करते हैं, समझौता कराने के लिए लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि समझौता कर लिया जाए। बड़ा सवाल है कि आखिर इन सब के पीछे कौन है? क्या सुशील कुमार इतना बड़ा पहुंचा हुआ क्रिमिनल है कि वो जेल में होने के बावजूद भी लगातार सागर धनखड़ के माता पिता, मामा, चाचा सबको धमका रहा है कि समझौता कर लो? अगर सागर धनखड़ के माता पिता समझौता करने के लिए मान जाते हैं तब क्या होगा? तब तो सागर धनखड़ को कभी इंसाफ ही नहीं मिल पाएगा। खैर आप क्या सोचते हैं, क्या सुशील कुमार की मां जो लगातार कभी जमानत के लिए, तो कभी माफी के लिए, तो कभी मीडिया ट्रायल के लिए,
तो कभी किसी चीज के लिए, कभी प्रोटीन के लिए, दोनों की तरफ से, सुशील और उसकी माँ दोनों की तरफ से जो याचिकाएं लगाई जा रही है ना, उन याचिकाओं का महत्व कितना है। और सुशील कुमार पहलवान अभी भी सपने देख रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में जाएगा वो। अरे सुशील कुमार पहलवान जी, आप तो टोक्यो ओलंपिक छोड़ दीजिए, आप तो जिस जेल में बंद है ना, उस जेल में अगर 2 गज की जमीन होगी ना, तो वहां पर भी कुश्ती करने लायक नहीं है। कुश्ती को बदनाम मत करिए, कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसे खेल कर आपने देश का नाम रोशन किया था, अब उसको लेकर देश को, कुश्ती को बदनाम मत कीजिए। इस खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं जरूर साझा कीजिएगा, और सुशील कुमार पहलवान से जुड़ी हुई हर खबर के लिए, अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी आवाज बनिए, ताकि हम सागर धनखड़ को इंसाफ दिला सकें। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।